बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की। चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर के भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को इस चिट्ठी के जरिए कहा है। प्रोटोकॉल का पालन न होने पर भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। मनसुख मांडविया देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस आशंका के मद्देनजर कि जिस तरह से चीन से खबरें आ रही है, लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी आशंका के मद्देनजर प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री से, और प्रोटोकॉल का पालन ना हो पाने पर भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की भी मांग उसमें की गई है। तो ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की मांग की गई है कि अगर नियमों का पालन ना किया जाए। और इस बीच अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहा है, ये सुन लेते हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? और कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया, ये भी हम आपको सुनाते हैं। अधीर रंजन को सुनिए इसका। आप भारत जोड़ो यात्रा के आसार खुद दिख रहे हो मंडुबिया के, मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और ये एक बेहद अहम खबर है, ऐसे में जबकि चीन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, भारत में भी इसके कहीं दुष्प्रभाव ना हो, इसी आशंका के मद्देनजर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी है राजस्थान के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को कि एहतियात बरतें या फिर ये यात्रा रोकें। बड़ी खबर कोरोना को लेकर है, दुनिया भर में कोरोना की नई लहर दस्तक दे रही है। अमेरिका और चीन में कोरोना केसेस में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है और भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है, और इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्सपर्ट के साथ एक बैठक भी की और एक बेहद अहम बैठक। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नए दिशा निर्देश पर ये एक बैठक और इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है, देश के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के साथ ये वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। बिल्कुल, तो ये बैठक जो कि 11:30 बजे शुरू होनी थी, बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक इस लिहाज से काफी अहम हो जाती है क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से चीन में कोरोना का विस्फोट है, अमेरिका तक इसकी चपेट में है, जापान इसकी चपेट में है, तो जो विदेश से यात्री भारत में आ रहे हैं उनको लेकर की क्या गाइडलाइंस का पालन करना है, इसके अलावा जो जिन भारतीयों की स्वदेश वापसी हो रही है, तो तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। और ये जो बैठक का एजेंडा है वो ये है कि किस तरीके से भारत में स्थिति सही रहे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, दरअसल ये बैठक की तस्वीरें हैं। बैठक के जरिए ये तय करना है कि भारत इस वक्त किस स्थिति में है, क्या भारत में किन किन नियमों को फॉलो करना है, इस पे बातचीत होनी है, क्योंकि चीन से सबक लेकर, जापान से सबक लेकर, अमेरिका से मौजूदा वक्त में सबक लेकर हमें भारत को हर हाल में सुरक्षित रखना है। और सबसे पहले जो हवाई यात्रा है उसको लेकर क्या गाइडलाइंस हो, उस पर फोकस किया जाना है, क्योंकि चीन से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद खौफनाक है, डराने वाली है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चांद घाट के बाहर भी लंबी कतारें देखी जा रही है, मेडिकल स्टोर्स में दवाओं की कमी होती चली जा रही है, और ऐसे में क्या भारत में कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, कहीं किसी तरह का दुष्प्रभाव तो नहीं होगा, इसीलिए एहतियातन कई और कदम उठाने की बात की जा रही है। और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय की ये एक बेहद अहम बैठक शुरू है। बिल्कुल, तो ये बैठक इस लिहाज से भी अहम हो जाती है क्योंकि जो चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है उसने साल 2020 की यादें ताजा कर दी है और चीन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि चीन से ही ये वायरस फैला, मैनमेड वायरस, और उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा, भारत में भी लोगों ने अपनों को खोया, उस दौर को याद करके ही लोग डर जाते हैं, ऐसे में फिर से वैसी स्थिति ना हो, क्योंकि कोरोना को लेकर के नियमों में ढील दे दी गई है भारत में, लेकिन क्या फिर से वो नियम लागू करने हैं, क्या क्या दिशा निर्देश होंगे जिनका पालन लोगों को करना होगा, साथ ही हवाई अड्डे पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आ रही हैं उनको किस तरीके का नियमों का पालन करना चाहिए, तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होनी है। मेरे सहयोगी रवि सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, जो ये बैठक हो रही है, बैठक में क्या क्या बिंदु छाए रहेंगे और
कौन कौन मौजूद है इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अलावा? सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, और इसके अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और वीके पॉल जो नीति आयोग के मेंबर भी है और इम्पावर्ड ग्रुप कोरोना को लेकर एक बना था उसके चेयरमैन भी है, राजेश भूषण है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, इसके अलावा एनके अरोड़ा एंटागी के को चेयरमैन है, तो आईसीएमआर के भी अधिकारी हैं, एनसीडीसी के अधिकारी हैं और डीबीटी के अधिकारी हैं, तो तमाम इससे जो स्वास्थ्य के संबंधित जो विभाग है उसके अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक लंबी चलने वाली है क्योंकि कई मुद्दों पर यह बैठक में चर्चा होने वाली है, खास तौर पर जो विदेशों से लोग आते हैं चाहे विदेशी हो चाहे वो भारतीय हैं, अगर भारतीय सीमा में एंट्री करते हैं तो ऐसे में इस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वहां पर क्या कोविड को लेकर सख्ती बरती जानी चाहिए कि नहीं चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा होनी है। रवि एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो इस बैठक के जरिए ही तय करना है कि भारत में भी बहुत बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन हम वक्त से पहले बैठक इसलिए कर रहे हैं ताकि सतर्क रहें, हम दूसरे देशों की तरह ऐसे आपाधापी में ना फंस जाएं जो 2020 में हालात बने थे। और अब हम आपको बताते हैं कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग का आखिर एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर यह चर्चा हो रही है। तो इस बैठक में हवाई अड्डों पर बचाव के उपायों पर चर्चा हो रही है, विदेश से भारत आने वाले लोगों के लिए नए नियमों पर मंथन भी होना है, साथ ही साथ स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए भी नए नियमों पर इसमें चर्चा की जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय ली जाएगी, देश में कोविड के मौजूदा हालात मौजूदा वेरिएंट पर भी चर्चा की जा रही है, और साथ ही साथ न्यू ईयर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी गाइडलाइंस बनाने पर इसमें बातचीत लगातार जारी है, जो अहम बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय की इस वक्त लगातार जारी है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। चीन में कोरोना की महामारी सुनामी लेकर लौटी है, चीन में कोरोना संक्रमण के हालात साल 2020 की याद दिला रहे हैं, और स्थिति तो इतनी खराब हो रही है कि वहां अस्पतालों में भी बेड नहीं है, चीन में मरीजों को इलाज के लिए जगह नहीं मिल रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाओं की भी कमी है, अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, दवा दुकानों में दवाओं की कमी है, शमशान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार है ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, और अचानक कोरोना के मामले चीन समेत कुछ और देशों में भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चीन में कोरोना का वहां विस्फोट उस वक्त हुआ जब दुनिया ये मानकर चल रही थी कि वायरस का खतरा कम हो चुका है। जीरो कोविड नीति के बावजूद चीन में कोरोना के चलते हालात अब बेकाबू हो गए हैं, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, शमशान में भी जगह कम पड़ रही है, हालात तो यह है कि अंतिम संस्कार के लिए घंटों लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। चीन में कोरोना का महाविस्फोट, डेडली वायरस ने मचाया तांडव। चीन में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, हर दो घंटे में दोगुना प्रहार, अस्पतालों में लगा लाशों का अंबार, शमशानों में मची चीत्कार। चीन में जन्मे कोरोना का ये अब तक का सबसे विकराल रूप है, चीन पर कोरोना का ये अब तक का सबसे प्रचंड आघात है, और चीनी नागरिकों की जिंदगी के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त है। इस बार चीन में कोरोना 3.0 का ऐसा अटैक हुआ है कि उसका सामना जिनपिंग सरकार चाहकर भी नहीं कर पा रही। अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हैं, दवाखानों में दवाइयां खत्म हो गई हैं, और जिन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। चीन में अचानक कोरोना का ऐसा डेडली अटैक कैसे हो गया? कोविड को लेकर चीन की सारी तैयारी नाकाफी कैसे हो गई? और जिस वायरस को कोरोना महामारी की शुरुआती दो लहरों में चीन ने काबू करा था, वो इस बार चीन में कहर कैसे बरपा रहा है?
आपको इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आगे मिलेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे चीन में कोरोना 3.0 की मार भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर से भी जोरदार है। चीन में इस बार कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी व्यवस्था चरमरा गई। सबसे पहले चीन के अस्पतालों की तस्वीर देखिए। अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि फिजिकल डिस्टेंस भूलकर डॉक्टरों ने एक के पास एक मरीज को लेटाया हुआ है। बेड से लेकर फर्श तक कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। अब जरा चीन के दूसरे अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहां इलाज कराने आया मरीज तेज बुखार की वजह से बेहोश होकर फर्श पर गिरा पड़ा है, लेकिन वहां खड़े लोगों में से ना कोई उसकी मदद के लिए आया, ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने आया। ये चीन के हेनान प्रांत में एक अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां लाशों का अंबार लगा हुआ है। चीन के बीजिंग में भी जिंदगी थम सी गई। यहां के अस्पतालों में भी लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अस्पतालों में कोरोना से मचे हाहाकार की तस्वीरें तो देख ली आपने। अब जरा बीजिंग के सबसे बड़े बाबा ओशन फ्यूनरल हाउस की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ फ्यूनरल के लिए 20 दिनों की वेटिंग चल रही है। कम से कम 2000 लाशें फ्यूनरल के बाद किसी नई लाश का नंबर लग रहा है। अपनों के फ्यूनरल का इंतजार में लोग फ्यूनरल हाउस के बाहर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी चीन में कोरोना के संक्रमण से हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। यहाँ के प्रांतों के किसी भी अस्पताल में एक बेड भी खाली नहीं है। सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लिहाजा प्राइवेट क्लिनिक्स पर बुखार से पीड़ित मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कोरोना वायरस से बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 60% आबादी पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है और इसके बाद 10 लाख लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन में इस समय हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक मरीज से 18 लोगों को संक्रमण हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पीक पर होगा ये कोरोना वायरस। चीन में इस समय ओमिक्रॉन के सब वेरियंट का कहर बरपा हुआ है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.7 बहुत खतरनाक है, क्योंकि BA.7 का इम्यून जो है ये पीरियड बहुत ही कम होता है, इसलिए ये बहुत तेजी से फैलता है और ज्यादातर लोगों को अपनी चपेट में लेता है। चीन में कोरोना वायरस की वजह से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां कब्रिस्तान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है। बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कारों के एक वीडियो ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वीडियो में कारों की लंबी लाइन दिखी। सड़क के एक और गाड़ियां लगाकर लोग इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई। दावा किया गया है कि ये गाड़ियां, ये लंबी कतारें बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर जुटी थी। और हर कार में एक ऐसा व्यक्ति है जो वायरस के आगे दम तोड़ चुका है। और ये तस्वीरें जो पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है, ये बताती है कि अब चीन में कोरोना की वजह से किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। कब्रिस्तान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार, हर गाड़ी में वो शव जो अंतिम संस्कार का जिसमें इंतजार किया जा रहा है। तो यहाँ पर चीन में जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक बार फिर से 2020 की यादें ताजा हो गई है। चीन से ही इसकी शुरुआत हुई थी और उस दौर को याद करके ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति भारत में ना बने इसको लेकर के यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। और कोरोना के मामलों के जानकारों के अनुसार चीन में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। चीन में महामारी के बड़े पैमाने पर प्रसार को लेकर चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। चीन की 60% से अधिक आबादी, दुनिया की 10% आबादी अगले 90 दिनों में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाली है। पूरे चीन में इस वक्त कोरोना की ऐसी दहशत फैली हुई है कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं और तब तक बाहर नहीं निकल रहे हैं जब तक कि उन्हें बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े।
चीन के एक बाजार की जरा ये तस्वीर देखी। जिनपिंग सरकार के इंतजामों से लोगों का भरोसा उठ गया तो लोग खुद ही अपने बचाव अपने अपने तरीके से करने लगे हैं। बाजार में एक शख्स पॉलिथीन के प्रोटेक्शन कवर में अपने साथ एक महिला को लेकर शॉपिंग करने निकला है। इस बीच एक अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ की चेतावनी से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। एरिक पेगल डिंग नाम के महामारी विशेषज्ञ ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 90 दिनों में चीन की करीब 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। इस दौरान कोरोना वायरस करीब 10 लाख लोगों की जिंदगी खत्म कर देगा। चीन में अचानक कोरोना वायरस के डेडली अटैक के पीछे जिनपिंग के उस फैसले को जिम्मेदार बताया जा रहा है जिसमें जिनपिंग ने कोरोना के खतरे को भांपने में भूल कर दी और चीन में लॉकडाउन में ढील दे दी। चीन में जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी खत्म हुई वैसे ही वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। चीन में कोरोना की वजह से हो रही बेहिसाब मौतों के लिए एरिक पेगल डिंग ने सीधे तौर पर शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP यानी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार की नई पॉलिसी है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसकी मृत्यु हो रही है उसे मरने दिया जाए। जल्दी संक्रमण, जल्दी मौतें, जल्दी पीक, यानी सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दरअसल अब तक चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर टिका हुआ था। उसका पूरा कोरोना मैनेजमेंट आइसोलेशन के आधार पर टिका था जिसे जिनपिंग ने बिना सोचे समझे खत्म कर दिया। नतीजा कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से हुआ जिसे काबू कर पाना अब सरकार के बस में नहीं रहा। जिनपिंग की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने लोगों को कोविड टीका लगाना जरूरी नहीं किया, लिहाजा चीन में सिर्फ 38% लोग ही वैक्सीनेटेड हैं, जबकि 65 साल की उम्र पार कर चुके लोगों में से महज 10% लोगों ने टीका लगवाया है। ऐसे में चीन में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाई है। इस बार चीन में कोरोना के हाहाकारी संक्रमण ने जिनपिंग के उस झूठ की भी पोल खोल दी है जिसमें सरकार ने दावा किया था कि चीन की 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने अनुमान लगाया है 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। यह अनुमान जिनपिंग की नई कोविड पॉलिसी को लेकर लगाया गया है। रिपोर्ट की माने तो चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर होगा। उस समय तक मौतों की संख्या 3.5 लाख तक पहुंच सकती है। IHMI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे के मुताबिक अप्रैल तक चीन की एक तिहाई आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी होगी और इस भयावह हालात के लिए जिम्मेदार होंगे शी जिनपिंग। जिसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में है। सबसे ज्यादा केस चीन में सामने आ रहे हैं। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ब्राजील में भी कोरोना की एक नई लहर अब दस्तक दे चुकी है। बिल्कुल, तो ये हम आपको वॉल ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। देखिए, चीन यहाँ पर कोरोना का विस्फोट हुआ है जो कि चिंता की बात है और चीन में 10 लाख लोग इससे प्रभावित है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दूसरे देशों की तो जापान, रीमा, बिल्कुल, और जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा अन्य जो देश है उनकी स्थिति भांपते हुए भारत में फिलहाल ये ब्राजील भी इसी कड़ी में आता है। इस स्थिति को देखते हुए 11:30 बजे से अभी तक जो बैठक चल रही है उसका मकसद साफ है कि हम अपने यहाँ गाइडलाइंस फॉलो कर सकें। लेकिन अमेरिका में भी अब कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। दहशत सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्राजील, जापान जैसे कई देशों में है और इसीलिए हर देश में अब नए सिरे से इस पर गाइडलाइंस के लिए चर्चा हो रही है।
तो चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, इसको लेकर यह लेटर लिखा गया है। उस पत्र में लिखा गया है कि प्रोटोकॉल का पालन न होने पर भारत जोड़ो यात्रा स्थगित भी कर दी जाए, इसका अनुरोध भी इस चिट्ठी में किया गया है जो स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखी गई। बेहद अहम खबर इस वक्त की, और वो चिट्ठी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखी गई है, साथ ही राहुल गांधी को, कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए सख्ती से, क्योंकि इस तरह की आशंका दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, तो ये पॉइंटर्स भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इस चिट्ठी का मकसद ये भी है कि देश हित में यात्रा को रोका जाए जो चीन में विस्फोट हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका की, हम बात करें जापान की, तो यहाँ पर स्थिति काफी खराब है। ऐसे में भारत सरकार पहले से ही अलर्ट मोड में है। एक तरफ तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी गई है। और इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपील की है, राहुल गांधी राजस्थान में चल रहे अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। इस चिट्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का बकायदा इस्तेमाल किया जाए, और सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही यात्रा में हिस्सा लें, यानी जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया हो वो लोग ही इस यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा में जुड़ने से पहले और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल पालन करना संभव नहीं है तो यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। महामारी से बचाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का भी अनुरोध इस चिट्ठी में किया गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना ही चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है। सवाल ये खड़ा होता है, तो अनुराग ठाकुर ने कहा है कि यहाँ पर नियमों का पालन होना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा पर। उन्होंने कहा है कि क्या एक परिवार प्रोटोकॉल से ऊपर है, लेकिन देश का सवाल ये खड़ा होता है क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है। ये तो मैं मान सकता हूँ कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो इस पर कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। आप भारत जोड़ो यात्रा के आसार खुद दिख रहे हो मंडुबिया के, मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। चीन में कोरोना के केस बेकाबू हो चुके हैं, वहां पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल से शमशान तक लंबी लंबी कतारें हैं। लोग यहां कोरोना की वजह से बेमौत मरते दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ खौफ और दहशत का ही मंजर दिखाई दे रहा है। चीन में इस बार कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बीजिंग के चुइंगलियू हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए, मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक ही कमरे में कोरोना वायरस से मरे लोगों की बॉडी को रखा गया है और उसी कमरे में इलाज के लिए मरीज भी इंतजार करते दिखे, यानी मौत के मंजर के बीच मरीजों का इलाज। चीन में कोरोना विस्फोट की तस्दीक ये वीडियो भी कर रहा है। चीन के शहर हिनान प्रांत के एक शमशान घाट के बाहर शव ढोने वाली गाड़ियों की कतार देखी गई। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शवों की अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बीजिंग के सबसे बड़े बाबा ओशन फ्यूनरल हाउस की तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ फ्यूनरल के लिए 20 दिनों की वेटिंग चल रही है। कम से कम 2000 शव फ्यूनरल के बाद किसी नए शव का नंबर लग रहा है। अपनों के फ्यूनरल के इंतजार में लोग फ्यूनरल हाउस के बाहर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। बीजिंग के डोंगजियाओ शमशान घाट में काम करने वाले लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि देश में पिछले कुछ दिनों में दाह संस्कार में बढ़ोतरी हो गई है। अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है
कि फिजिकल डिस्टेंस भूलकर डॉक्टरों ने एक के पास एक मरीज को लिटाया हुआ है। बेड से लेकर फर्श तक कहीं भी खड़े होने तक की जगह नहीं है। अब जरा चीन के एक दूसरे अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहाँ इलाज करवाने आया मरीज तेज बुखार की वजह से बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन वहाँ खड़े लोगों में से ना कोई उसकी मदद के लिए आया, ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने आया। चीन में कोरोना की दहशत ऐसी है कि लोग घरों में कैद हैं और जो निकल भी रहे हैं वो खुद को प्रोटेक्शन कवर के साथ निकलते दिखे। चीन के एक शहर से खौफ की एक और तस्वीर आई, जिसमें एक हताश परिवार अपने मासूम के इलाज के लिए तड़पता दिखा। एक माँ 42 दिन के जुड़वा बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रही है। दोनों बच्चे संक्रमित हैं, उन्हें बुखार है लेकिन बुखार की भी दवा नहीं मिल रही। बुखार कम करने के लिए माँ जतन करती दिखी, यानी ना तो दवा है ना ही अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस। और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब चारों तरफ चीन में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी दवाओं को लेकर ही है। चीन में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद दवाइयों की किल्लत बढ़ चुकी है, परेशानी बढ़ गई है। और चीन में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को सर्दी और फ्लू की दवाएं तक वहां नसीब नहीं हो रही है। चीन में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू का सहारा ले रहे हैं, जिसके बाद नींबू की मांग बढ़ चुकी है और बीते एक हफ्ते में नींबू की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। इस बीच कोविड नियमों में ढील देने के बाद कोरोना संक्रमितों को भी अब काम करने की छूट मिलती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर चीन से ही आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले से हालात बिगड़ रहे हैं। 80 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में वायरस तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। बताया गया कि जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद चीन में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। स्पोर्ट्स का दावा तो ये भी कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी के संक्रमित होने की आशंका बढ़ चुकी है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से अब विश्व बैंक ने भी 2022 में चीन की विकास दर को घटाकर अब 2.7% कर दिया है। चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, चीन में अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। अस्पताल के भीतर उन्हें एडमिट करने के लिए जगह तक नहीं बची। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त चीन की कहानी को बयां कर रही है कि कितने बुरे दौर से इस वक्त लोग गुजर रहे हैं। साल 2020 की यादें भी ताजा हो गई है, जब भारी तबाही मची थी, और अब स्थिति यह है कि लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को दम तोड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के बाहर लाइन है। इसके अलावा जिन लोगों की जान जा चुकी है, कब्रिस्तान में भी जगह नहीं बची। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरोना का कहर चीन में और हाहाकार मचा हुआ है। खुद को ताकत पर कहने वाला चीन इस वक्त कोरोना से इस कदर घिरा है कि वो अपने देश में लोगों को सिरदर्द, बदन दर्द और बुखार की दवाई तक नहीं दे पा रहा। दवाई ही नहीं मिल रही है तो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अब नींबू का सहारा लेने लगे। जिसके बाद पिछले एक हफ्ते में नींबू के दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ गए। इसके अलावा नींबू की खपत में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में नींबू की किल्लत हो गई। सबसे ज्यादा मांग इन्हीं शहरों में हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी के तौर पर नींबू का इस्तेमाल लोग खूब कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बीजिंग और शंघाई में पिछले सप्ताह नींबू की जो खपत 5 से 6 टन प्रतिदिन थी, वो बढ़कर 20 से 30 टन तक पहुँच गयी है। इसके अलावा विटामिन सी देने वाले अन्य फलों की डिमांड भी बढ़ी है। नींबू के दाम जो अब तक 2 या 3 युआन प्रति हाफ किलो थे, वो अब बढ़कर 6 युआन प्रति हाफ किलो तक पहुंच गए हैं। लोग इनका इस्तेमाल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में कर रहे हैं, ताकि महामारी से मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा चीन में कोल्ड और फ्लू की दवाएं भी कम पड़ रही है। हालात इतने खराब हैं कि मेडिकल की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। बुखार और बदन दर्द की भी गोली लोगों को मैसर नहीं हो पा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन में बुखार की टेबलेट का कोटा फिक्स करना पड़ा। एक व्यक्ति दवा दुकान में एक निश्चित सीमा से ज्यादा बुखार और बदन दर्द की गोली नहीं ले सकता। चीन में कोरोना के केस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रोन का सब वेरिएंट तबाही मचा रहा है। दुनिया की नामी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना की चपेट में आने वाली है। यानी ये आंकड़ा बेहद डरावना है,
और चीन में अभी से ही इसके लक्षण दिखने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। इन हालत में बदन दर्द और बुखार की गोली बड़े ही काम की चीज है, लेकिन चीन के लोग उससे भी महरूम हैं। चीन में कोरोना से जुड़ी सख्त बंदिशों में ढील देने के बाद सार्वजनिक जगहों पर लोगों की बड़ी भीड़ भी केस बढ़ने की बड़ी वजह है, जिसके बाद दवाइयों का अकाल पड़ गया। दवा की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें खड़ी हो गई, तो कई जगहों पर लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर बनने का दावा करने वाला चीन कोरोना से इस कदर घिर चुका है कि वो अब दवा उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। इस बीच चीन की आधिकारिक मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही बुखार की दवाओं की सप्लाई करवाई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट किया है, उन्होंने चीन में बढ़ते कोरोना केस को लेकर चिंता जाहिर की। अदार पूनावाला ने आगे लिखा है कि बेहतरीन टीकाकरण और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जारी रखना चाहिए। तो ये अदार पूनावाला का ट्वीट, और क्योंकि भारत में स्थिति बेहतर है, लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अदार पूनावाला ने जो ट्वीट किया है उसकी बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। चीन के हालात ने चिंता बढ़ा दी है, ये अदार पूनावाला का कहना है, हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आगे लिखते हैं, हमारा टीकाकरण अभियान बेहतर है, सभी लोग गाइडलाइंस का पालन करें। ये अदार पूनावाला ने ट्वीट किया है, और भारत सरकार अलर्ट मोड पे है। जो स्थितियां इस वक्त चीन में है, अमेरिका में है, ब्राजील में है, वो भारत में उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के सारी व्यवस्था की जा रही है। चीन में कोरोना का महाविस्फोट की खबर डराने वाली है, और इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि भारत में कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान कहां तक पहुंचा। बिल्कुल, भारत में अब तक कुल 2,20,00,000,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है, और जिसमें 100,00,000,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। इनमें भी 95,00,000,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 22,00,000,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बूस्टर डोज भी लग चुका है,